नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लगातार दूसरे दिन 2200 के पार कोविड संक्रमित। रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, डैम में डूबा किशोर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लगातार दूसरे दिन 2200 के पार कोविड संक्रमित। लगातार दूसरे दिन जिले में 2200 से अधिक नए पॉजिटिव मिले। रविवार को 2252 नए पॉजिटिव मिले और 12 की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक कुल 1,70,502 पॉजिटिव हुए और 4,459 की मौत हो गई। शनिवार को नागपुर जिले में 2,261 पॉजिटिव मिले थे। 13 सितंबर के बाद 13 मार्च को एक दिन में दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का आंकड़ा था। इसके साथ ही सक्रिय मरीज भी बढ़कर 16,630 हो गए। सोमवार को शहर में सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। ऐसे में देखना है कि क्या लॉकडाउन से कोविड संक्रमण कम होगा। आज मिले संक्रमितों में शहर के 1,872, ग्रामीण के 378 और जिले के बाहर के 2 है। मृतकों में शहर के 7, ग्रामीण के 3 और जिले के बाहर के 2 है। नागपुर जिले में आज 12,673 नमूनों की जांच की गई है। इसमें से शहर के 8,386 और ग्रामीण के 4,287 है। अब तक 13,77,581 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आज जांचे गए कुल नमूनों में से 17.77% नमूने पॉजिटिव आए। सितंबर में हर चौथे व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा था। तो वही दूसरी ओर रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला। पुराने रंजिश में कलमना के युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गौरीशंकर नगर निवासी विपिन साहू मित्र के साथ शनिवार दोपहर लक्ष्मी नगर हनुमान मंदिर के पास बैठा था। तभी राहुल बागड़ और शुभम कदम वहां आए। वह पुरानी रंजिश को लेकर विपिन से विवाद करने लगे। उन्होंने चाकू से वार कर विपिन की हत्या का प्रयास किया। कलमना पुलिस ने केस दर्ज कर शुभम को गिरफ्तार किया है। तो वही तीसरी ओर डैम में डूबा किशोर। कोराडी बिजली केंद्र के डैम में मित्रों के साथ तैरने पहुंचा 16 वर्षीय किशोर डैम में डूब गया। दमकल विभाग के दल ने शाम तक खोज की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। यह घटना कोराडी थाने के तहत कामटी तहसील के खसाला मसाला शिवार के पास रविवार को सुबह 11 बजे हुई। डूबने वाला किशोर बाबा दीप सिन्हा नगर निवासी शशांक नारनवरे है। खसाला मसाला शिवार का तालाब हनुमान बजरंग डैम के तौर पर पहचाना जाता है। इस तालाब में बिजली केंद्र की राख एकत्रित की जाती है। शशांक रविवार की सुबह छोटे भाई और 5 मित्रों के साथ तालाब में तैरने के लिए आया था। सभी के तालाब में उतरने के बाद शशांक गहरे पानी में डूबने लगा। यह देखकर उसके मित्रों ने शोर मचाया। इसके बाद सभी घटनास्थल से भाग गए। सूचना मिलने पर कोराडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मचारी भी तालाब पर पहुंचे। उन्होंने खोज शुरू किया लेकिन अंधेरा होने से शशांक का पता नहीं चल सका। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।